नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल फार्मासिस्ट धर्मेंद्र में। बात करेंगे दोस्तों हाइड्रोक्विनोन ट्रेटिनोइन मोमेटासोन फ्यूरोएट क्रीम के बारे में। ये जो क्रीम है ये आपके चेहरे से रिलेटेड कई सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करती है। तो बात करेंगे कितने रुपए की मिल जाती है, इसका क्या कंपोजिशन है, किन किन समस्याओं में आपको उपयोग करना है, कितना डोज और कैसे लगाना है, साइड इफेक्ट क्या कुछ आते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखते रहें। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ब्रांड नेम की कि मेडिकल स्टोर पे ये क्रीम आपको किन नामों से मिल जाती है। तो दोस्तों ये आपको मेला बेस्ट क्रीम के नाम से मिल जाती है, काफी ज्यादा पॉपुलर है। बात करें तो 193 रुपए की 15 ग्राम की ट्यूब आसानी से मिल जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप बाय कर सकते हैं। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो जैसा कि हमने बताया इसमें हाइड्रोक्विनोन 2% वेट बाय वेट डाला गया है। ये जो हाइड्रोक्विनोन है दोस्तों ये आपकी स्किन को ब्लीच करने का काम करता है। इसके अलावा जो मिलेनोसाइट्स होती हैं आपकी स्किन में उनकी जो संख्या है उसको डिक्रीज करता है। मिलेनोसाइट मिलेनिन का निर्माण करती हैं जिससे भाई ये डिसाइड होता है कि आपकी जो स्किन का टोन होगा वो कैसा होगा। मिलेनोसाइट्स अगर बढ़ जाती हैं तो आपकी जो स्किन है वो डार्कर हो जाती है। दूसरी जो इसमें मेडिसिन पड़ी हुई है वो है दोस्तों मोमेटासोन, 0.1% वेट बाय वेट पड़ा हुआ है। ये जो मोमेटासोन है ये एक स्टेरॉयडल मेडिसिन है। तो कई बार क्या होता है कि आपके फेस पे एक्ने पिंपल्स की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसके अलावा बॉडी में कहीं पर भी सूजन लालिमा ये सारी समस्याएं होती हैं तो उसको ये दवा कम करने का काम करती है। अगली जो मेडिसिन है वो ट्रेटिनोइन, 0.025% वेट बाय वेट पड़ा हुआ है इसमें। ये मेडिसिन बेसिकली क्या करती है, आपके एक्ने पिंपल्स की समस्या को कम कर देती है, उनकी जो सेवियरिटी है उसको भी कम करने का काम करती है। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते और फटाफट बात कर लेते हैं ये जो क्रीम है इसका उपयोग किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे जो पहली और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं की प्रॉब्लम है, पुरुषों में भी होता है लेकिन पुरुषों में कम ये समस्या दिखाई देती है, वह है मिलास्मा। मिलास्मा एक बहुत ही कॉमन स्किन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है डार्क डिसकलर्ड पैचेस हो जाते हैं आपकी स्किन में। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है पुरुषों की तुलना में, और उन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी हो। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स कोई महिला ले रही है, हार्मोनल मेडिसिन किसी महिला की चल रही है तो वहाँ पर मिलास्मा की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा इंजरी कई बार चोट लगने से भी ये समस्या आपकी हो सकती है। तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, इफेक्टिव तरीके से मिलास्मा को ठीक करती है ये क्रीम। इसके अलावा दोस्तों इस क्रीम का उपयोग अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने पिम्पल्स की समस्या हो रखी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सूजन आ जाती है, एक्ने पिंपल्स में रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन होता है, तो वहां पर भी आप इसे उपयोग करेंगे तो आपके एक्ने पिंपल्स कील मुहासों की समस्या में आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों जब आप इस क्रीम का उपयोग रेगुलर करते हैं तो यह आपके स्कार्स की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर कर देती है। कोई मार्क है, ब्लेमिशेज है, डार्क सर्किल आंखों के जो है आसपास हो जाता है कई बार, उसको भी ये जो क्रीम है ठीक कर देती है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का जो स्किन का टोन है बहुत ज़्यादा डार्कर हो रखा है वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये एक मेडिसिनल क्रीम है, एज अ ब्यूटी क्रीम की तरह इसको उपयोग नहीं करना है। वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस क्रीम का उपयोग कैसे करना है, कितना डोज आपको लगाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रोजाना सिर्फ दिन में एक बार इस क्रीम का उपयोग करना है, रात में सोने से पहले। बात करें तो थोड़ी सी मात्रा लेनी है और जहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम है वहाँ पे अच्छे से इस क्रीम को अप्लाई करना है। उपयोग करने का तरीका बहुत ही आसान है। बात कर लेते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन में रेडनेस आना जहाँ पर आप लगाएंगे, स्किन में ड्राइनेस आना, सूखापन आना, खुजलाहट महसूस होना, स्केलिंग या फिर हल्की सी जलन भी महसूस हो सकती है। और अगर आप एक्ने पिंपल्स कील मुहासों में इस क्रीम का उपयोग कर रहे हैं तो हो सकता है जो है शुरुआत के एक दो दिन आपके एक्ने पिंपल्स की समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जैसे जैसे आप इस क्रीम का उपयोग करेंगे वैसे वैसे जो है एक्ने पिंपल्स की समस्या आपकी ठीक होती जाती है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसमें से इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई दे तो इस क्रीम को फर्दर उपयोग नहीं करना है, साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात करें सेफ्टी एडवाइस की तो जिन लोगों को इस दवाई से एलर्जी है वो लोग बिल्कुल भी इसका उपयोग ना करें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो हाइड्रोक्विनोन ट्रेटिनोइन मोमेटासोन फ्यूरोएट क्रीम के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।